मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ हुसैन और आप देख रहे हैं जनता की पुकार। जनता की पुकार में आपका इस्तकबाल है और हमारे साथ जुड़े भी हैं मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर सी आर नसीर अहमद, जो एक तजुर्बाकार सियासी लीडर हैं। मुल्क के मौजूदा हालात और बिलखसूस रियासत में हो रहे हालात पर इनसे तबादला ख्याल है। आइए सुनते हैं डॉक्टर नसीर अहमद साहब, जनता की पुकार में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए सर जी, हिजाब से मुतालक हाईकोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? ये राय है, हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है जी कि जो सरकार का जो भी फैसला था, जो सबमिट किया गया है, स्कूल में यूनिफॉर्म किस तरह से रहना चाहिए, तो उसके ऊपर जो कर्नाटक का हाई कोर्ट जो है, उन्होंने अपना फैसला सुनाया है। सिर्फ एसएलसी के बच्चों को और पीयूसी के बच्चों के, हाई स्कूल और पीयूसी, बस दोनों के हद में ही फैसला है। डिग्री कॉलेज को नहीं ये लागू होगा। अच्छा अच्छा। इन दोनों एसएलसी और पीयूसी के कॉलेजेस को लागू होगा। हाँ। और स्पेशली जहाँ जो यूनिफॉर्म है वहाँ तक ही ये मखसूस है। हाँ, हाँ। महदूद है ये। अच्छा। और दूसरी जगह नहीं है। अब रही बात फैसले की बात, तो रास्ता खुला हुआ है जी, सुप्रीम कोर्ट को अपील जाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लीडर हजरात जो है गुफ्तगू भी किए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी गुफ्तगू किए हैं कि हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हम जो है इसका जो भी फैसला होगा कि जो भी केस होगा हम लड़ेंगे बोल के। सर ऐसा पेपर्स में, न्यूज़ में भी, सोशल मीडिया में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही है, जाना ही चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है जी। रहा मामला रियासत में, पुरमन तौर पर जो बंद मनाने का ऐलान किया गया है, इस पर आप अपने क्या ख्याल कहते हैं? देखिए अल्ताफ साहब, जो आज जो है अनाउंस किया गया है, अमीरी शरीयत और बहुत सारे बेंगलुरु के जो लीडरान हजरात जो है आज जो अनाउंस किए हैं कि सेल्फ हम बंद करें, और सेल्फ हम बन करके अपना जो फैसला आया है इसके नाराज़गी का इजहार करें, ये अपनी जगह एक हद तक ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरा ख्याल ये है कि मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं अपने दिल से बात बता रहा हूँ, शायद इसमें मेरी राय गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, मगर मेरी राय आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। ये जो वो मसला जो हिजाब का जो उठा हुआ था, वो जो है उड़पी से उठा हुआ है जी। लड़कियों ने हाईकोर्ट में जो उन्होंने पर्सनल मामला है, हमारे बच्चे जो है घर से निकलते हैं तो कॉलेज को जाते हैं, स्कूल को जाते हैं, निकाब ओढ़ के जाते हैं, अंदर क्लासरूम में काट देंगे, कोई इश्यू नहीं है। हाँ। ऐसा बोल के कन्विंस करके समझाते तो कुछ ना कुछ हल निकलता। अच्छा। और जो बंद का सवाल है आज, इससे फायदा क्या होगा? फायदा तो कुछ नहीं होगा, कौन सुनेगा? इसके बंद का कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अरे कोर्ट में फैसला मतलब एक तरफा हो या दो तरफा हो, कोर्ट में फैसला हो गया, फैसला आ चुका है। कोर्ट में फैसला होने के बाद आप बंद करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर सरकार यानी कि गवर्नमेंट के लेवल में रहता तो आप बंद करते, प्रोटेस्ट करते, डेलीगेशन के तौर पे जाके आप कन्विंस करते, तो कुछ बात बन सकती थी, बन सकती थी या नहीं बन सकती थी और बात है, मगर कोशिश तो हो सकती थी। तो बंद से कुछ मेरा ख्याल आप पूछे तो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बंद का खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मगर इससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। हाँ, एक ही रास्ता है आज, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही। तो इस दरमियान मौजूदा हालात में रियासत में सियासी पार्टियों का मुसलमानों के ताल्लुक से क्या नजरिया है, इस पर आप अपना रद्दअमल करें। देखिए अल्ताफ साहब, मैं सच बताऊं आपको जी, सच्चाई तो पेश करना है लोगों के साथ। बताता हूं, सुनो,
मेरी भी 30 साल जर्नी हो गई सियासत में आके, एक ही पार्टी में अब तक हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी में। अच्छा। मुझे कर्नाटक की वजीर तालीम श्रीमती नागम्मा केशवमूर्ति मुझे सियासत में लिया है। उसके बाद हमारे दांगेर के XML मोती रन्ना हो, एम यू राजशेखरन साहब हो, और प्रणब मुखर्जी हो, बहुत सारे मुसीना हिंद भाई, सब लोग मुझे इनक्रेज किए, यहाँ तक मैं आया। कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कमीशनों में मैं एज ए मेंबर रहा, सिंडिकेट बैंक का डायरेक्टर भी रहा, बहुत सारी जगह मुझे काम करने का मौका मिला मुझे। मगर एक बात जो है मैं आपको बता रहा हूँ, सोच से बता रहा हूँ कि आज का जो माहौल जो है बहुत गलीज हो गया है, सियासती इसमें बहुत गलीज माहौल हो गया। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात, मैं अपनी सर्विस में मैं खुश हूँ, जो भी कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है, छोटा सा छोटा होदा भी की ना हो, मैंने बाखूबी उसको निभाया, सिंसियर से निभाने की मैंने कोशिश की है। और MLA नहीं बना, MLC नहीं बना, कोई अफसोस नहीं है। मेरे मकदर में होता तो मैं ज़रूर बनता, मेरे मकदर में है। ये बहुत ख़राब हालत बन गए हैं, बहुत ख़राब हालत बन गए हैं, बहुत अफसोस की बात भी है, समझ में ये बात, बहुत अफसोस की बात है। पॉलिटिकली में कोई कमिटमेंट नहीं रहा। अच्छा। कमिटमेंट नहीं है। और अल्ताफ साहब और सभी पार्टियां जो हैं आज एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में आ गए हैं, और सब पार्टियों में क्या आ गया है, मतलब कैस्टिज्म आ गया है। हाँ। हर पार्टी में आ गया है। आप जैसा कि आप बोलेंगे, अब मुसलमान जो है हिंदुस्तान के सिर्फ दो पार्टियों में हिंदुस्तान में रहे, एक कांग्रेस में रहे, कभी GDS में गए। अच्छा। हिंदुस्तान लेवल में, और वहाँ के जो भी छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, जैसे कि इसमें तमिलनाडु में दो पार्टियाँ में बैठे हुए हैं, DMK अन्ना DMK में, केरला में दो पार्टियाँ में बैठे हुए हैं, कर्नाटक में दो पार्टियाँ में बैठे हुए हैं, कांग्रेस से GDS में, महाराष्ट्र में NCP और कांग्रेस में बैठे हुए हैं, बंगाल में TMC में थोड़े बहुत कांग्रेस में थे, अभी नहीं, कम्युनिस्ट में है, UP में तो कांग्रेस में है ही नहीं, ऐसा अभी आम आदमी पार्टी में वहाँ जुड़े हुए हैं। हम सब लोग बिखर गए हैं, बिखर गए हैं, हमारे जो लोग हैं मुस्लिम वोटर्स सब बिखर गए हैं। मेरा राय, मेरी जो सजेशन जो है, मेरी जो सोच है, शायद लोगों को पसंद ना आए, फिर भी मेरी सोच, मैं आपको मेरी सर्विस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, हमें बहुत साल पहले ही हर पार्टी में बैलेंसिंग करना चाहिए था, हर पार्टी में, मतलब नेशनल जो पार्टीज हैं सब में रहना चाहिए था। कांग्रेस में भी है रहो, BJP में है BJP में रहो, JDS में है JDS में रहो, हर पार्टी में हमारे लोग बैलेंसिंग करना चाहिए था। अभी देखो, जो भी शेड्यूल कैस्ट, शेड्यूल टाइप्स, बैकअप क्लास, जो भी कम्युनिटीज हैं कर्नाटक में हो या ऑल इंडिया लेवल में हो, हर पार्टी में है, हर पार्टी में जो है उनको पोजीशन मिल रहा है। जी जी। पोजीशन मिल रहा है और एंजॉय कर रहे हैं, हर पार्टी में रहकर एंजॉय कर रहे हैं वो, ठीक है, तो उनको पोजीशन भी मिल रहा है, बेनिफिट भी ले रहे हैं, कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है। हम जो लोग जो है, हमारे जो लोग हैं मुसलमान लोग जो हैं महदूद हो चुके हैं, इसका जो है हम भुगत रहे हैं, आगे भी हम बहुत सारा भुगतना, नुकसान उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। तो एक सवाल करना चाहूंगा कि आपका आइंदा सियासी सफर क्या होगा? ये तो मुश्किल सवाल है जी। मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, जो भी मेरे हाथ से होता है मैं हर रोज कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ जी। अच्छा। ना ही मैं MLA हूँ, ना ही MLC हूँ। आप ये बड़ा सवाल मुझसे कर रहे हैं, मैं तो छोटा सा एक वर्कर हूँ। अब रही बात, मैं तंग आ चुका हूँ, नहीं ये पॉलिटिक्स से ही, बहुत सारे लोग आपसे उम्मीदें लगाए हैं, नहीं नहीं ये पॉलिटिक्स से ही, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपका सियासी सफर क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये पॉलिटिकल फील्ड से ही तंग आ चुका हूँ जी। यहाँ पे जो
जी उजीरी करता है उसको इम्पोर्टेंस है, जो भी चमचे लोग होते हैं उनको इम्पोर्टेंस है, हर पार्टी में, एक ही पार्टी में, हर पार्टी सब पार्टी में, वो काम हमारे से नहीं होगा। जितने भी मेरे लीडर्स थे, जो भी नाम बोला मैं, नागम्मा केशवमूर्ति, मोती रन्ना, जो भी है, वो कबीरज भी वो उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं किए। अच्छा अच्छा, उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं किए वो। जब भी मुझे समझते थे अपना बेटा, अपना भाई, ऐसा समझते थे। अब वो नहीं रहा, अब वो चीज़ें नहीं रहे, वो चीज़ें नहीं रही। अब कोई पार्टी में कोई मतलब जिस जो भी जिसकी सलाम करता है उसको ही पोजीशन मिलती है, उसको ही सब कुछ मिलता है, काम करो या ना करो। हर पार्टी का एक मिजाज है, इसे मैं अपनी जिंदगी इन दो सालों में सब पार्टियों से दूर हूँ। अच्छा अच्छा, सामाजिक खिदमत कर लेके जो भी मेरे पास आता है कुछ ना कुछ, उसको जो मेरे तरफ से हो या मेरे मौलाना आज़ाद एसोसिएशन की तरफ से हो या कोई मेरे फ्रेंड्स की तरफ से हो, शादी ब्याह जो भी कुछ है, सोशल एक्टिविटीज हम करके आते हैं। अच्छा, करते रहेंगे मतलब तक। मगर ये सारे पार्टियों से मैं हेडअप हो गया हूँ, बेजारा हो गया हूँ, अफसोस भी है। और हर लोग बोलते हैं, हर रोज़ हर लीडर बोलता है हमें एक होना चाहिए, एक रहकर काम करना चाहिए, हम सब एक होना चाहिए, जब मजबूत होगा हमारा पावर आएगा, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में करना है, वो फील्ड में करना है, ये फील्ड में करना है। मगर बात करते हैं सब, जो प्रैक्टिकल की जब बात करते हैं, बात की हद तक रह जाती है, कोई भी करने की कोशिश नहीं करता। और मुसलमान लीडर्स जो है, मुसलमान लीडर्स को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। वजह है आज मुसलमानों की हालत, सियासती हालत ये स्टेज को आने की वजह है हम ही हैं, हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो इसके बावजूद भी मुश्किल, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप लोगों के काम आए, इख्तदार में रहें। तो इस दरमियान में आप अपनी सियासी जिंदगी का सफर कैसे जारी रखेंगे? मैं बोल रहा हूँ आपको, छोटे मोटे जो भी कुछ है हम खिदमत करते हुए आए हैं, करते रहेंगे बढ़ते दम तक, वो अलग बात है। पॉलिटिकल डिसीजन की बात कर रहे हैं, वक्त आने पर मैं भी सोचा हूँ, दो चीजें सोचा हूँ अल्ताफ साहब। एक राय यह है मैं सियासती अपना सफर खत्म कर दूं, बस कोई भी पार्टी से मैं ताल्लुक रखना नहीं चाहता, ऐसा मैंने सोचा है। यानी तो अगर मैं पॉलिटिकल में पार्टी में रहकर मैं लोगों की कुछ ना कुछ कर सकता हूं बोल के मुझे यकीन है, तो मैं आइंदा दिनों में कोई ना कोई पार्टी में ज्वाइन हो जाऊं। उस वक्त आप ऐलान करेंगे? ऐलान करो। मगर अब जो है हालात जो है, ये दोनों हालात पे भी नजर कर रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है पॉलिटिक्स की। मैं आराम से मैं अपने सामाजिक खिदमत करते हुए अपने घर पे रहूँ। अच्छा। ये एक मेरा इंटेंशन है, इरादा है। दूसरा इरादा, अगर मुझे एक सियासी पार्टी में जाके कुछ काम करना है तो आइंदा दिनों में मैं जरूर इसके बारे में सोच के फैसला लूंगा। अच्छा। अपने दिल की सुनूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। अच्छा। अपने दिल से जाऊंगा, कौन मुझे भला बोले, बुरा बोले, अच्छा बोले, इस बात की परवाह नहीं होगी। परवाह नहीं, बिल्कुल। क्यों बोले तो खतरे से दरिया है, बिल्कुल मालूम हुआ, खतरे से दरिया है। अपना जो फैसला होगा मैं सुनाऊंगा। और बहुत ये सब चीजें देखने से बहुत अफसोस होगा, ये हालात जो आज हमारे हिंदुस्तान की जो हालात हैं, कर्नाटक की रियासत की जो हालात हैं, जो भी हो रहा है, इसकी वजह कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है कि हम सियासती हर पार्टी में रहना चाहिए था, बैलेंसिंग के साथ रहना चाहिए था। ये जो मेरी है आपको मेरी राय सुना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नसीर अहमद साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सी आर नसीर अहमद साहब, जो मारूफ सामाजिक कारकुन हैं और सियासी मैदान में बहुत सालों से इनको तजुर्बा है, और ये चित्रदुर्गा मुर्गराजेंद्र मटा के